हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना भाई रेला हो एंड वेलकम टू रेला हो ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में मैं आपको SJ6 लेजेंड जो मैं यूज़ कर रहा हूं अभी राइट, उसका रिव्यू दे रहा हूं, देने जा रहा हूं। सो कैसा है कैसा नहीं है। सो अभी मैं राइड पे जा रहा हूं, शॉर्ट राइड। हम लोग जो सालूगढ़ा से लेकर सेवक का थोड़ा सा जो अच्छा डिस्टेंस पर राइड है, जैसे ये बंगाल सफारी से होते हुए, वहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग को अच्छा लगे एंड ताकि आप लोग को मैं अच्छा रिव्यू दे सकूँ। सो आज के वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 6 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 1, इसका माइक जो क्वालिटी है वो। नंबर 2, इसका स्टेबिलिटी। नंबर 3, इसका आपका वीडियो क्वालिटी। नंबर 4, आपका है वाटर, जो पानी के अंदर कैसा रहा नहीं रहा राइट। एंड नंबर 5, मैंने कभी ट्राई नहीं किया अभी तक रात को, तो रात को जब राइड करते हैं तो कैसा रहता है वो देखना चाहता हूँ मैं। सो वह मैं आपको भी दिखाऊँगा एंड जेन्युइन एकदम जो भी होगा जेन्युइन रिव्यू दूंगा आप लोग को, मेरे हिसाब से ये कैमरा आपके लिए कैसा रहेगा। सो आप लोग देखते रहिए रेला हो ब्लॉग्स। इसका ये है इसका क्वालिटी टेस्ट। इसका क्वालिटी जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, वो है 1080 रेजुलेशन में मैं इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए। वो लेपचा फॉल्स का है, तो मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि आप बस व्यू में फोकस कर रहे हो बाइक पे नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भाई ने मुझे समझाया कि कैसा होता है, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा मकसद है कि जो भी आपका व्यूअर्स आपको देख रहा है उसको ये पता होना, उसको ऐसा लगे कि वो खुद बाइक चला रहा है। जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो में क्या है, 20% बाइक 80% व्यू, तो वो जरूरी था। मेरा पहले का वीडियो में क्या था कि मेरा बस व्यू आ रही थी, तो वो गलती को एक जन ने मुझे सुधारने के लिए कहा एंड उसको मैंने एकदम पॉजिटिविटी लिया राइट। एकदम पॉजिटिव लेके मैंने उसको लेके हाँ ऐसा होना चाहिए बोल के मैंने आज किया हूँ। तो आई होप आज मेरे वीडियो पे जो मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, वो अच्छा रहेगा शायद। और आप लोग को किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरा वीडियो में ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो ताकि मैं अपने आप को खुद सुधारूँ राइट। मैं भी अभी जस्ट नया हूँ, सो आई एम ट्राइंग द बेस्ट। सो बहुत अच्छा है, आप लोग देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अब इसका स्टेबिलिटी चेक। सो यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसा होता है राइट। इसके अंदर गायरो सेंसर भी है ठीक है, जो कि आपका स्टेबिलिटी को एकदम अच्छे से रखता है। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करा था तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम राइट, क्योंकि इतना बजट के अंदर इतना सारा सब कुछ देना फीचर्स राइट, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको वीडियो सही लगा कि नहीं लगा वो भी बात लिख के बताइए राइट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, ताकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी जितना हो सके, मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ देखते रहिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। सो अब चलते हैं थर्ड टेस्ट पर। नंबर 3 टेस्ट जो है इसका माइक, मेरे लिए तो इस बजट में एकदम अच्छा ही लगा मुझे, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा तो। लेकिन इसमें मुझे जब मैंने अपना वीडियो देखा था तो इसका 2 प्रकार का साउंड आया था। नंबर 1 साउंड जो था मेरा वाइजर ऑफ करके, मतलब जब मेरा वाइजर बंद था तो एक दूसरा टाइप का साउंड आ रहा था, जैसे कि एकदम कहीं पर मैं बात कर रहा हूँ राइट। जैसे कि अभी देख सकते हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो वाइजर ऑफ है, मतलब वाइजर एकदम बंद है। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक थोड़ा सा इसका और एक है जो वॉइस, जो मुझे लगा कि वो थोड़ा क्लियर है जब मैं वाइजर ऑफ, मतलब वाइजर को खोल देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप जो आप सुनेंगे वो आप होगा वाइजर खोल के, जैसे अभी मैं वाइजर खोल रहा हूँ। देखिए अभी मैंने जो वाइजर खोल दिया है तो इसमें साउंड क्वालिटी शायद दूसरा आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सा साउंड अच्छा लगा, ये वाइजर खोल के कि वाइजर बंद करके। जैसे कि अभी मैंने वाइजर बंद कर दिया है तो दूसरा साउंड आ रहा होगा राइट। सो मुझे थोड़ा डाउट भी था कि इसके अंदर कौन सा साउंड अच्छा है, ये वाला साउंड अच्छा है कि वो वाला साउंड अच्छा है राइट। अगर आपको दोनों में से कोई भी अच्छा साउंड लगे तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। थैंक यू। ये था आपका 3rd टेस्ट, इसका माइक टेस्ट राइट। थैंक यू। आज बताया कि मेरे वीडियो में मैं आज टोटल 5 टेस्ट बताऊंगा इसका, वाटर टेस्ट एंड अभी वाटर टेस्ट मैं घर में जाके करूंगा राइट। सो नाइट मोड के लिए आपको अंधेरा होना जरूरी है, अभी तो अंधेरा हुआ नहीं है। उसके अलावा इसका और एक क्या है कि इसका बैटरी बैकअप। ऑब्वियसली हम लोग जब शूटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए अच्छा कैमरा, इस बजट में ये कैमरा इज़ बेस्ट। नंबर 2 चाहिए आपको बैटरी बैकअप। ऑब्वियसली अगर आपके पास बैटरी नहीं रहा तो आप शूटिंग क्या करोगे राइट। सो जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था इस कैमरा से लेपचा फॉल का, तो आप बिलीव नहीं करोगे डियर, मैं जो भी कमेंट जो भी इसमें बोल रहा हूँ एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 आवर्स मैंने विदाउट चार्जिंग ये कैम को
यूज़ करा है, लेकिन वाइजली। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली ऑन करके एकदम, मैंने 6 घंटा नहीं चलाया। मेरा प्लान था कि बस मैं ऑलमोस्ट 15 शॉट्स लूँगा जो मुझे अच्छा लगे, जहाँ पर मुझे दिखाना आप लोगों को क्या करूँ। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने टोटल 32 शॉट्स लिए थे वो वीडियो बनाने के लिए इस कैमरा से। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि 50% बैटरी स्टिल बचा हुआ था जब मैं घर वापस आया। मैं यहाँ से मेरा जर्नी शुरू किया था 6 बजे, एंड वहाँ से सब कुछ ख़त्म करते वाटर राफ्टिंग वाटर में शूट करके घर आया, तब मेरा बैटरी बचा था 50%, समझे। तो सोच लो, लेकिन मैंने वीडियो वाइजली यूज़ किया था एकदम। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने ऑन करा, एंड जहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं था मैंने ऑफ करा। इसकी वजह से मेरा बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा रहा, एंड घर पहुँचते वक्त 50% रहा। एंड उसके बाद मैंने उससे एडिटिंग भी करा, तभी मेरा बैटरी था। सो मेरे हिसाब से ये बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है अगर आप लोग वाइजली यूज़ करेंगे तो। एंड अभी तो मैं इस कैमरा से और बहुत कुछ सीखने के प्रयास कर रहा हूँ, जैसे राइडिंग का मज़ा ले रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा राइट, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अब तक करा नहीं है तो। एंड प्लीज़ भले आप लाइक करो, भले आप शेयर करो ना करो, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं उस कमेंट को पॉजिटिविटी से लेके अपने आप में सुधार कर सकूँ। क्योंकि सब में गलतियाँ होती हैं, मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ राइट। तो मुझे सीखना है बहुत कुछ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पास करिए, कमेंट लिखिए, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको जैसा भी लगे, ताकि मैं अपने आप को और सुधार सकूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.